भव्य कार्यक्रम और भव्य प्रतियोगिता। बिल्कुल मौजूद है हम श्री गंगानगर के नई मंडी गढ़साना राजकीय खेल स्टेडियम में और मुख्य तौर पर बड़े भव्य आयोजन 15 मार्च को कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और मुख्य तौर पर पहले दृश्य हम इस स्टेडियम का आपको दिखाना चाहेंगे कि फ्लैग्स जो है वो लगा दिए गए हैं और चारों ओर का दृश्य जो है वो आपको मुख्य तौर पर मैं दिखाना चाहूँगा कि स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और आयोजन कमेटी के जो सदस्य हैं जो पूरी व्यवस्था में जो है तैयारियों में जो है वो लगे हुए हैं और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद भी हैं के सर जो साइकिल पोलो जो इंटरनेशनल जो खेल है उसके कोच हैं इंडिया के वो हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत तो सर हमको राजस्थान साइकिल पोलो एसोसिएशन का करना चाहिए, गढ़साना स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी का करना चाहिए और जो श्री जिला गंगानगर साइकिल पोलो एसोसिएशन है उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया है इतने कम टाइम में। स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स MLA फॉर्मर MLA पवन दुग्गल जी एंड इनकी टीम जो पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूँ ये लगे हुए हैं पूरा रात दिन एनी टाइम को फ़ोन आता है फटाफट मेरे को लेके गाड़ी पे लेके सर इधर ग्राउंड पे आते हैं एंड इनका कीन इंटरेस्ट है कि उड़ीसा से ये गेम खींच के यहाँ पर लेके आए सर और ये बच्चों के लिए गंगानगर वासियों के लिए गढ़साना के लिए पूरे ऑल इंडिया की जो बच्चे आए यहाँ पर 22वीं सीनियर नेशनल वुमेंस 18वीं सब जूनियर बालिका वर्ग और 24वीं जूनियर राष्ट्रीय साइकिल पोलो प्रतियोगिता में जो भाग लेंगी लड़कियां वो इसको अपना घर जैसा महसूस करेंगी। इससे पहले भी यहां पर एक इन्होंने आयोजित की है चैंपियनशिप बहुत ही अच्छे भव्य तरीके से बच्चों को रहन सहन खान पीने के लिए कोई भी जगह यहां पे किसी को परेशानी नहीं हुई। मैं एज ए ऑब्जर्वर इन्होंने मेरे को पहले बुला लिया था बोला आप देख के जाइए कहाँ का क्या क्या समस्या है तो ऑलरेडी सारी कमेटियाँ गठित कर दी है। आयोजन समिति का बहुत बड़ा प्लान है दे डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज इन फ्रंट मी बट दे आर प्लानिंग इन ए वेल मैनर्ड है। आप देख रहे हैं अभी से तैयारी शुरू हो गई अभी एक हफ्ता बाकी है तो 15-14 तारीख को सारी टीमें आ जाएंगी। 21 टीमें अभी आने का प्लान है उससे भी ज़्यादा टीमें आ सकती हैं कुछ बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो हमारी लगातार साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों पदाधिकारियों से बातचीत चल रही है तो 21 टीम मिनिमम यहाँ पर आएंगी और उसमें भी तीनों वर्ग की है तीनों वर्ग में सब जूनियर जूनियर एंड सीनियर महिला वर्ग तो ये चैंपियनशिप काफ़ी भव्य यहाँ पर होने का इसको गेम को आगे और बढ़ाया जाए बच्चों के लिए खासकर गढ़साना वासियों के लिए राजस्थान की बच्चियों के लिए। साइकिल पोलो इज़ ए कॉमन मैन गेम आम आदमी का खेल है सर ये कोई भी खेल सकता है साइकिलें सबके पास होती हैं एक स्टिक और बॉल लेके आप अपनी बच्चियों को इस गेम में लेके आ सकते हैं जिससे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चियाँ देश का प्रदेश का नाम और उसका गौरव बढ़ा सकते। बिल्कुल सर आप यहाँ पहुँचे हैं गेम भी है किस प्रकार खुशी इजहार कर रहे हैं क्यों गढ़साना वासियों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गढ़साना में मैं जगह जगह स्कूल कॉलेजेस में गया हूँ वहाँ की बच्चियों में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है दे वांटेड टू प्ले एवरी डे 15 बंदे मेरे रजिस्टर में एंटर हो रहे हैं आप मेरे रजिस्टर चेक कर सकते हैं तो अभी आज शाम को उनको रेस्ट दिया है 5 प्रैक्टिस के बाद हम लोग रेस्ट लेते हैं जैसे कि नियम है क्योंकि छोटी बच्ची है लगातार खेलेगी तो अब पीक पॉइंट आ गया है तो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क हम ज़्यादा बच्चों को इंजर्ड नहीं कर सकते हैं। गेम बहुत फास्ट है साइकिल है उसकी टाइमिंग टेक्निक जजमेंट उसके हिसाब से बच्चियाँ खेल रही हैं खास करके यहाँ की जो बच्चियाँ हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं और यहाँ पर एक प्लान है कि अभी जो टीम बाहर जाएगी पिछले 2 साल से बंद था जाना कोरोना की वजह से कोरोना ने एक काम अच्छा हुआ है कि कोरोना ने सिर्फ सबको जितने भी बड़े बड़े मर्सिडीज में चलने वाले थे सबको साइकिल पर भी कोरोना जरूर लेके आया है लेकिन पिछले 2 साल से हमारी प्रैक्टिस बंद थी और उस प्रैक्टिस को खुलाने में काम किया है मिस्टर पवन दुग्गल जी ने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने गढ़साना एक छोटा सा टाउन है लेकिन यहाँ के लोगों का दिल मैं देख रहा हूँ बहुत ही विशाल बड़ा दिल है खुले मन से धीरे से मिस्टर जियानी जी रात दिन हमारे साथ लगे हुए सर पूरी टीम इनकी अप टू डेट इसको भव्य एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर का एक मेगा इवेंट है बच्चियों का इसको बहुत ही युद्ध स्तर पर ये लोग लेके गए हैं देख लीजिए कभी भी आप ग्राउंड में आइए ये आपको अवेलेबल मिलेंगे। बिल्कुल बड़ी खुशी नज़र आ रही है कि इंडिया के कोच जो साइकिल पोलो के हैं और आपको बता दूं कि एयरफोर्स से भी ताल्लुकात रखते हैं तो कहीं ना कहीं खुशी का इजहार गढ़साना इलाके को देखकर किया जा रहा है। हमारे साथ समूची आयोजन कमेटी जो है देख कुलदीप जी पेंटर इंद्राज जी जैनी और पूर्व विधायक पवन जी दुग्गल जो स्पोर्ट्स के प्रति बड़ा इनका प्रेम रहता है
सर क्या कहेंगे 15 मार्च भव्य आयोजन, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली ये घड़साना में तीसरी दफ़ा हो रहा है। 2012 के अंदर यहाँ वाइज के टूर्नामेंट हुए थे ऑल इंडिया ऐसी साइकिल पोलो के, और उसमें आप ये देखिए हमारी एयर फोर्स की टीम आई थी, इंडियन आर्मी की टीम आई थी, टेरिटोरियल आर्मी की टीम आई थी और अन्य 21 राज्यों की टीम आई थी। उसके बाद में गर्ल्स का टूर्नामेंट हुआ ऑल इंडिया में, और ये फिर अब तीसरी बार घड़साना के अंदर ऑल इंडिया टूर्नामेंट है जिसमें 21 राज्यों की टीम, यूं कहो कि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक की टीम 13-14 तारीख को आएगी। 120 मीटर इंटू 80 मीटर का ग्राउंड है जो हमारा स्टैंडर्ड जो है साइकिल पोलो का उसको मेंटेन कर रहा है। हमारे के सोनी सर है जो एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, इंडियन टीम के कोच है अभी, और इसके साथ साथ हमारे इंटरनेशनल जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उनके पार्ट रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य है, हमारी बच्चियों के लिए सौभाग्य है, और घड़साना को हमारी बच्चियां दिखाएगी, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 सालों से हमारे यहाँ की लड़कियाँ, जोधपुर की जो बच्चियाँ हैं ये इसी गेम के अंदर रनर रह के आई है। इस बार हमने ये तैयारी करवाई है, हमारी बच्चियाँ जरूर गोल्ड मेडल जीतेगी राजस्थान की तरफ से। बिल्कुल, मुख्य तौर पर उत्साह समूचे घड़साना में नजर आ रहा है। अगर बातें की जाए दीवार की तो ऑल इंडिया साइकिल पोलो टीम वेलकम, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि साइकिल की जो फोटोज है वो कहीं ना कहीं समूची दीवारों पर अंकित की गई है। इंद्राज जी जानी, जो लगभग जब से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, प्रारंभ किया गया है, रूपरेखा तय की गई है, तब से इंद्राज जी जो है वो इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव तक ले जाने में इनकी अहम भूमिका रही है, और 15 तारीख बिल्कुल नज़दीक है और उत्साह ग्राउंड को देखकर दिखाई दे रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ व्यापार मंडल और जितनी भी हमारी संस्थाएं हमें जो सहयोग दे रही है उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और उन्होंने आज तक जो भी हमने कहा भाई ये नेशनल इवेंट है जो यहाँ होने जा रहा है, और यहाँ पूरे भारत की बच्चियाँ यहाँ खेलने आएगी, और राजस्थान की टीम भी यहाँ तैयार है खेलने के लिए, और हमें यहाँ पूरा पूरा मदद मिल रहा है पूरा व्यापार मंडल से और हर व्यापारी से हर तरह से, और हमारा ग्राउंड है जो एकदम तैयार है, हम तो वेलकम कर रहे हैं, उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं, इसको कब स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, आप सुबह शाम लगातार यहाँ की ड्यूटी पाबंद रहती है, तो तमाम इलाकावासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम इलाकावासियों यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे बेटर गेम हेल्थ के लिए साइकिल पोलो सबसे अच्छा है, अपने बच्चियों को और बच्चों को साइकिल पोलो ग्राउंड पे आए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाना सिखाए, और साइकिल पोलो एक ऐसा गेम है आपको धरातल पे रहकर भी आप आसमान में उड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि धरातल पे रहकर आसमान की ऊंचाइयों को आप छू सकते हो। तो आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि इस ग्राउंड की जो व्यवस्था है, मॉनिटरिंग है, और इस ग्राउंड में जिन्होंने अपने स्पुर्द जिन्होंने किया है वो है शिक्षा समिति, और शिक्षा समिति के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुभाष जी गर्ग, और आप देख सकते हैं कि सुभाष जी गर्ग भी इस व्यवस्था को मेंटेन करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। साइकिल पोलो का गेम है और अब इंडोर स्टेडियम की बागडोर कहीं ना कहीं आपके हाथ में है, तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे इस व्यवस्था को मेंटेन करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, साइकिल पोलो का गेम है और अब इंडोर स्टेडियम की बागडोर कहीं ना कहीं आपके हाथ में है, तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि इंडोर स्टेडियम के अंदर जितना भी सहयोग हो सकता है हमारे लोगों का काम करने का, संभालने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे संभालने की, और जो भी बच्चियां आएंगी यहाँ उन बच्चियों की व्यवस्था के लिए जितना भी हमारे से सहयोग हो उसका सहयोग भी करेंगे, और तन मन धन से हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, सचिव महोदय महेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, 15 मार्च और तैयारियाँ कहीं ना कहीं इस प्रकार लग रही है जैसे बारात का हमें स्वागत करना है, तो किस प्रकार किस अंदाज में? ये हमारे घड़साना के लिए बड़े ही गौरव का विषय है, जो टूर्नामेंट उड़ीसा में होना था उसकी मेज़बानी हमें मिली है, और 15 से 17 तारीख को ये साइकिलिंग पोलो का जो खेल है ये होना है, तो ये घड़साना के लिए बहुत बड़े ये गौरव का विषय है, और हम इसके लिए पूरी तैयारियों से जुटे हुए हैं, और आप देख रहे हो आज ग्राउंड का नज़ारा और हमारी तैयारियां आपके सामने हैं, और हम बेहतरीन इसको करेंगे। बिल्कुल, कोसा मौजूद है, सर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि 15 मार्च नज़दीक है अब, और तमाम इलाकावासी जो हैं, क्योंकि आप बाहर से यहाँ पधारे हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम इलाकावासियों? मेरे लिए घड़साना कोई नई चीज़ नहीं है, मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, और घड़साना एक तरह से मेरा दूसरा घर है,
तो कोई समस्या नहीं है। गरसाना के लोग बहुत शुक्रगुजारों में उनका, उन्होंने मुझे याद किया, बुलाया और मैं लगातार इस दौर को नज़र बनाया हूँ। काफ़ी बच्चे रोज़ रिस्पॉन्स आ रहे हैं उनके पेरेंट्स के, और नए नए बच्चे यहाँ पर आगे जुड़ना चाहती हैं। एक महासभा हुई थी, उसमें कुछ गर्ल्स आई थी, और जितने भी प्रकार के यहाँ पे आयोजन हो रहे हैं उसमें आमंत्रित किया जा रहा है। मैं बराबर जा रहा हूँ और बराबर प्रोत्साहित कर रहा हूँ बच्चियों को कि अपनी बच्चा वो जमाने लग गए पुराने कि बच्चों को घर से नहीं निकाला जाता। आजकल बच्चियाँ खुद अच्छी अपनी इच्छा से आ रही हैं बाहर, और दे वांटेड टू प्ले गेम, सो इट्स ए वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स आज दे कैन प्ले। क्योंकि हर जगह स्कूल में आजकल साइकिल प्रोवाइड की जा रही है सरकार की तरफ से, तो साइकिल पोलो कॉमन मेन गेम है, आम आदमी का खेल। इसको साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, और देर इज ए फेयर सेलेक्शन, कोई पार्शलिटी नहीं है। हम लोगों की बहुत अच्छी टीम है, एंड वी वांटेड टू ये जो एक गेम है इसको इंटरनेशनल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अपनी एक पहचान हो। ये एक साइकिल पोलो के इतिहास में नई उपलब्धि होगी। बिल्कुल, तमाम लोगों से एक ही संदेश है कि आप यहाँ पहुँचे और इस जो भव्य आयोजन को और अधिक अच्छा बनाएं, और आप मुख्य तौर पर मैं एक बार ग्राउंड के चारों ओर और बड़ा ही शानदार जो नज़ारा है वो इस ग्राउंड का देखने को मिल रहा है, और एक ही लक्ष्य है अब कि 15 से 17 तीन दिन का ये आयोजन है, और इस आयोजन को समूचे गरसाना मंडी को भव्य सुंदर और अद्भुत बनाना है, ताकि गरसाना का नाम न केवल राजस्थान में अपितु समूचे भारत में इस खेल प्रतियोगिता से लिया जाए। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास